हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इंडियन मिसाइल सिस्टम्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये इसका कंप्लीट नोट्स है स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन मॉडर्न लैंग्वेज अ मिसाइल ऑल्सो नोन एज गाइडेड मिसाइल इज अ गाइडेड सेल्फ प्रपोल्ड सिस्टम एज अपोज टू एन अनगाइडेड सेल्फ प्रपोल्ड म्यूनिशन referred to as a rocket, although these two can be guided. Missile have four system component, targeting or missile guidance, flight system, engine and warhead. Okay. आधुनिक भाषा में मिसाइल, जिसे एक निर्देशित मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है, एक निर्देशित स्वचालित प्रणाली है, मतलब अपने से चलने वाली ये सिस्टम है, और एक रॉकेट के रूप में संदर्भिक एक स्वचालित मुनियों के विपरीत, हालांकि इन्हें भी निर्देशित किया जा सकता है। ओके, मिसाइलों में चार सिस्टम घटक होते हैं, लक्ष्यीकरण या मिसाइल मार्गदर्शन, उड़ान प्रणाली, इंजन और वॉरहेड। ओके, टाइप्स ऑफ मिसाइल, मिसाइल के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप है एयर टू एयर मिसाइल, एंड एयर टू एयर मिसाइल AAM इज अ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट for the purpose of destroying another aircraft. Okay, and AAMs are typically powered by one or more rocket motors, usually solid fueled but sometimes liquid fuels. Okay, air to air missiles are broadly put into two groups. Air to air missiles जो होते हैं ये broadly two groups में होते हैं। those designs to engage opposing aircraft at ranges of less than 30 kilometer are known as short range or within usual range missiles. Okay, SRAAMs or या WVRAAMs and are sometimes called dogfight missiles because they are designed to optimize their agility rather than range. Okay, in contrast, medium or long range missile MRAAMs or LRAAMs, which both fall under the category of beyond usual visual range missile. ओके, BVRAAMs का फुल फॉर्म क्या होगा, बियॉन्ड यूजुअल रेंज मिसाइल्स। ओके, और आपका ये MRAAMs का फुल फॉर्म मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ओके, SRAAMs का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, शॉर्ट रेंज विद इन विजुअल रेंज, शॉर्ट रेंज या विद इन विजुअल रेंज। ओके, तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। Tend to rely upon radar guidance, of which there are many forms. Some modern ones use interstitial guidance and or mid-course updates to get the missile close enough to use an active homing sensor. Okay, example Astra missiles. ठीक है, एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AAM, एक विमान से दूसरे विमान को नष्ट करने के उद्देश्य से दागी गई मिसाइल है। ओके, एस्ट्रा मिसाइल क्या है, AAM, एस्ट्रा मिसाइल का फुल फॉर्म है AAM का फुल फॉर्म है एस्ट्रा मिसाइल। ओके, ये क्या है, ये हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल एक विमान से दूसरे विमान को नष्ट करने के उद्देश्य से दागी गई मिसाइल है। आमतौर पर एक या अधिक रॉकेट मोटर्स द्वारा संचालित किया जाता है, आमतौर पर ठोस ईंधन, ओके, सॉलिड फ्यूल, लेकिन कभी कभी लिक्विड फ्यूल भी इसमें यूज़ होता है। एयर टू एयर मिसाइलों को मोटे तौर पर दो ग्रुप में रखा गया है, 30 किलोमीटर से कम दूरी की सीमाओं पर विरोधी विमानों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ये एस्ट्रा मिसाइल्स, जिन्हें शॉर्ट रेंज या विजुअल रेंज मिसाइलों के रूप में जाना जाता है, और कभी कभी डॉग फाइट मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि वे रेंज के बजाय अपनी चपलता को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके विपरीत मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइलें, जो दोनों दृश्य श्रेणी की मिसाइलों से परे की श्रेणी में आती हैं, रडार मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं, जिनमें से कई रूप हैं। कुछ आधुनिक लोग इस एक्टिव होमिंग सेंसर का उपयोग करने के लिए मिसाइल को करीब से प्राप्त करने के लिए जड़त्वीय मार्गदर्शन और या मिड कोर्स अपडेट का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर एन एयर टू सरफेस मिसाइल ASM, ओके एयर टू सरफेस मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल AGM और AIGM इज अ मिसाइल डिजाइन टू बी लॉन्च फ्रॉम मिलिट्री एयरक्राफ्ट एट टारगेट्स ऑन लैंड और सी. देर आर ऑल्सो अनपावर्ड गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स नॉट कंसिडर्ड मिसाइल. द टू मोस्ट कॉमन प्रोपल्सन सिस्टम फॉर एयर टू सरफेस मिसाइल्स आर रॉकेट मोटर्स यूजली विथ शॉर्टर रेंज एंड स्लोअर लॉन्गर रेंज जेट इंजन्स. ओके गाइडेंस फॉर एयर टू सरफेस मिसाइल्स इज टिपिकली वाया लेजर गाइडेंस, इंफ्रारेड गाइडेंस, ऑप्टिकल गाइडेंस और वाया सैटेलाइट गाइडेंस सिग्नल. द टाइप ऑफ गाइडेंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टारगेट. शिप्स फॉर एग्जाम्पल मे बी डिटेक्टेड वाया पैसिव रडार और एक्टिव रडार होमिंग, लेस इफेक्टिव अगेंस्ट मल्टीपल स्मॉल फास्ट मूविंग लैंड टारगेट्स. एयर टू सरफेस मिसाइल के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल या हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसे सैन्य विमानों से जमीन या समुद्र पर टारगेट में लॉन्च किया जाता है. मिसाइलों को न मानने वाले गोलाबारी निर्देशित ग्लाइड बम भी हैं. हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के लिए दो सबसे आम प्रणोदन प्रणाली रॉकेट मोटर से आमतौर पर छोटी रेंज और धीमी लंबी दूरी की जेट इंजन के साथ. एयर टू सतह मिसाइलों के लिए मार्गदर्शन आमतौर पर लेजर मार्गदर्शन, अवरक्त मार्गदर्शन, ऑप्टिकल मार्गदर्शन या उपग्रह मार्गदर्शन संकेतों के माध्यम से होता है. मार्गदर्शन का प्रकार लक्ष्य के प्रकार पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए जहाजों को निष्क्रिय रडार या सक्रिय रडार होमिंग के माध्यम से पता लगाया जा सकता है जो कई छोटे तेज गति से चलने वाले भूमि लक्ष्य के मुकाबले कम प्रभावी है. ओके स्टूडेंट्स अभी भी अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इन योर ग्रुप इन योर फ्रेंड्स ऑल्सो. और प्लीज स्टूडेंट्स जरूर से अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलना क्योंकि इस तरीके के वीडियो हमेशा इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं और इसके आगे के भी चैनल अपलोड ये वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो ये जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए और इससे ये आप लोग इसको देख सको, आप लोगों को हेल्प मिल सके, गाइड हो मिल सके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में को क्रैक करने के लिए. ठीक है स्टूडेंट तो चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स बैलिस्टिक मिसाइल. अ बैलिस्टिक मिसाइल फॉलोज अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी टू डिलीवर वन और मोर वॉरहेड्स ऑन अ प्री डिटरमाइंड टारगेट्स. ओके दीज वेपन्स आर ओनली गाइडेड ड्यूरिंग रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड्स ऑफ फ्लाइट्स. मोस्ट ऑफ दियर ट्रैजेक्टरी इज अनपावर्ड बींग गवर्नड बाई ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस इफ इन द एटमोसफियर. शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्टे within the Earth's atmosphere, while longer ranged intercontinental ballistic missiles are launched on a suborbital flight trajectory and spend most of their flights out of the atmosphere. Okay, एक ballistic missile क्या होता है? एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर एक या एक से अधिक warhead देने के लिए एक ballistic प्रक्षेप वक्र का को follow करती है, अनुसरण करती है. इन हथियारों को केवल उड़ान के पीछे संक्षिप्त अवधि के दौरान ही निर्देशित किया जाता है. उनके प्रक्षेप वक्र का अधिकांश हिस्सा बिना किसी कारण के होता है जो कि वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण और वायु पतले द्वारा नियंत्रित होता है. शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही रहती हैं जबकि अधिक समय तक चलने वाली अतरब महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें ICBM एक उपकक्षीय उड़ान प्रक्षेप वक्र पर लॉन्च की जाती है और अपनी अधिकांश उड़ान वायुमंडल के बाहर ही बिताती है. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे के फैक्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग.